पप्पू यादव जी को मूली का अध्यक्ष समझ रहे थे क्या? इस बार पता चलेगा कि पूर्णिया क्या है। उधर आरजेडी से भी कैंडिडेट कहा, कौन कैंडिडेट है आरजेडी में? उसके बुथवा पर जीतेंगे हम लोग, बुथवा रुपोली में। तब इस बार दल का नहीं दिल का चुनाव होना है। पप्पू यादव जी हर पूर्णिया वासियों के दिल में बसे हैं। यहाँ लड़ाई पप्पू यादव जी नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया का जनता लड़ रहे हैं यहाँ पर। न कोई जात है न धर्म है। कहे शंभू पांडे, कहे कारी मुल्ला, कैची पे बटन दबेगा कुल्लम कुल्ला। आरजेडी भी कैंडिडेट दिले को दावा ठोकर लो जीत जी भाई। 99 में भी आरजेडी कैंडिडेट दिया था दिलीप यादव को, जमानत जब्त हो गया था। उसी तरह बीमा भारती का भी जमानत जब्त हो रहा है। बिल्कुल पूर्णिया पहले भी इतिहास रचा है और इस बार भी इतिहास रचने के लिए तैयार है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और चर्चाएं है कि पूर्णिया लोकसभा सीट काफी हॉट सीट है। इस वक्त हम पूर्णिया के पावन धरती पर मौजूद हैं और यहां से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, पूर्व सांसद पप्पू यादव अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं और कैची छाप उनको सिंबल मिला है। हम लोगों के बीच हैं, क्या माहौल है पूर्णिया का हम जानेंगे। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। कहां घर है आपका? पूर्णिया लोकसभा। पूर्णिया लोकसभा जी। क्या माहौल है लग रहा है उधर? माहौल आपको क्या लग रहा है देखने से? माहौल पूरा पप्पू में है, पूरा पूर्णिया पप्पू में है। पप्पू में है जी, पूरा पूर्णिया पप्पू में है। निर्दलीय का कुछ रहता है ये? निर्दलीय से नहीं, इस बार दल का नहीं दिल का चुनाव होना है। पप्पू यादव जी हर पूर्णिया वासियों के दिल में बसे हैं और पूर्णिया वासियों ने अपना मन बना लिया है इस बार अपने बेटा अपने सेवक को दिल्ली भेजने का। दिल्ली भेजेंगे? बिल्कुल 100% जी बिल्कुल। यहाँ लड़ाई पप्पू यादव जी नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया का जनता लड़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, न कोई जात है न धर्म है। जनता वर्सेस दिल्ली और पटना की लड़ाई है यहाँ पर। पूर्णिया जिस तरह देश में चर्चित है, 12 बजे में अगर देश में किसी का रिजल्ट आएगा तो पूर्णिया का रिजल्ट आएगा 12 बजे में कि पप्पू यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहुंच गए, सब गाड़ी पीछे है। उधर आरजेडी से भी कैंडिडेट कहा, कौन कैंडिडेट है आरजेडी में? उसके बुथवा पर जीतेंगे हम लोग, बुथवा रुपोली में। तब खेला पूर्णिया पब्लिक खेला कर है, ये होता है। पप्पू यादव जी को मूली का अध्यक्ष समझ रहे थे क्या? इस बार पता चलेगा कि पूर्णिया क्या है। डगरा के बैगन है पप्पू यादव, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप देख लीजिएगा ना, जब रिजल्ट आएंगे तो ये बैगन वाला सब पटने में रूम में बंद करेंगे, गमछिया लगा के मुंह से तब निकलेंगे घर से। और पप्पू यादव दिल्ली पहुंच के वहाँ तैयारी करेंगे शपथ ग्रहण लेने का। अच्छा, देख लीजिएगा, वोट से जीत रहे पप्पू यादव। 4 लाख+ से रिकॉर्ड होगा बिहार में, 4 लाख+ रिकॉर्ड। पहले भी पप्पू यादव जी पूर्णिया से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और फिर इस बार इतिहास दोहराएगा। हाँ। जी बिल्कुल। कैची से कटेगी? कैची से कटेगी और पप्पू यादव जी दिल्ली पहुंचेंगे। माहौल क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ? मनोज पासवान। पासवान जी? हाँ जी बिल्कुल जी। अरे चिराग के आदमी है ना जी पप्पू यादव, सब हवे हवाई है। सर जमीन पे जो है अकेले पप्पू यादव पूरे बिहार में। तो आरजेडी भी कैंडिडेट दिले को दावा ठोकर लो जीत जी भाई। 99 में भी आरजेडी कैंडिडेट दिया था दिलीप यादव को। हाँ। जमानत जब्त हो गया था। उसी तरह बीमा भारती का भी जमानत जब्त हो रहा है। हाँ। बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगा बीमा भारती। बिल्कुल का? बिल्कुल। पहले तो आपको ये समझना होगा। हाँ। कि 365 दिन जमीनी नेता कौन है जो लोगों के बीच में रहता है? कौन है? चाहे वो कोरोना काल हो कि पटना का बाढ़ हो। हाँ। जमीन पर रहने वाला नेता कौन रहता है? कौन लोगों है? के सुख दुख में कौन आता है? हाँ। तो लोगों के सुख दुख में अगर पप्पू यादव जी आते हैं। हाँ। तो जनता तो चुनेगी पप्पू यादव जी को ना। पप्पू यादव हवा हवाई करने वालों को जनता चुन ली है, जनता लड़ रही है। पूर्णिया का चुनाव कौन लड़ रहा है? कहे शंभू पांडे, कहे कारी मुल्ला, कैची पे बटन दबेगा कुल्लम कुल्ला। कैची पे बटन खुल्लम खुल्ला दबेगा कुल्लम खुल्ला। कुल्लम बना लिया है छक्का लगाने का और कैची छाप पे बटन दबाने का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूर्णिया की जनता छक्का लगाएगी, कैची छाप पे बटन दबाएगी। टक्कर है कि निश है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे पूर्णिया का जनता कल्ले जीत गया, कल्ले अरे कल्ले जीत गया जब मिल गया कैची छाप। हाँ।
अरे देखिए नसीब का खेल देखिए लालू जी, अब इसका कैची खत्म करने चले थे। अरे देखिए भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, जो कहिए, जनता जनार्दन का वही कैची आ गया, वही कैची से कतरा जाएगा, ट्रेन जलेगा कि कैची से कटेगा, कैची जलेगा भैया। अरे कैची कैची कैसे न चली, समय नहीं रहा, अब कैची ही चलेगा। भरत लालटेन को मोदी जी के आगे गिरवी रख दिए हैं, ईडी से बचा लो, 40 ले जाओ, 400 पार हो जाओ। लालटेन का समय चल गया, अब एलईडी युग आ गया है। जिस समय लालटेन युग था उस समय पूर्णिया में बिजली युग पप्पू यादव जी ने लाए थे। अच्छा, ये जनता जान रही है, सब समझ रही है। अब की बार पूर्णिया में पप्पू यादव, अब की बार जनता की सरकार, पप्पू यादव, पप्पू यादव। पूर्णिया में खेला हो जाएगा, खेला है, अरे भैया खेला हो गया, क्या देखते हैं, अरे खेला तो कल हो गया भैया, अरे अरे खेला तो कल हो गया। नीतीश सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आदरणीय पप्पू यादव जी का कैची छाप था, उनके साथ गलत हुआ, ऊपर वाला देखा, इसलिए कैची छाप निशान दिया। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, और महागठबंधन जो है ना उसका जमानत जब्त हो जाएगा। बस लालटेन जलेगा, लालटेन बुझ गया, नहीं जलेगा लालटेन, नहीं कैची जलेगा, कैची कब 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 कब। अरे अरे भ्रष्टाचारी बोल रहा था, हम कहते लालू यादव से, लेकिन आप बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किए। नीतीश कुमार के पार्टी के पलटू चचा है, आज पलट के चल गए उधर, अब विधानसभा में मेहर आएंगे भतीजा के पास। अरे ये लोग बौखला कर रहे हैं, 4 तारीख को ज्यादा दिन थोड़े हैं, बोलिए सबर करेगा, सब ICU में एडमिट होने वाला है, खेला हो जाएगा, पूरे खेला हो ले, कुछ बहा दिले है नीतीश कुमार। पूर्णिया जो है ना, पूर्णिया सीमांचल का राजधानी है और बिहार का उपराजधानी हुआ। पूर्णिया से जो है बोलने वाला, दिल्ली में गरजने वाला सांसद चाहिए, ना कि वहाँ जाके चुपचाप रहे। नहीं आइए, नहीं आइए, क्या नाम हुआ? विनोद सिंह यादव। यादव जी हैं जी, जी सर। कहे है पूर्णिया के माहौल क्या है? कोई चक्करे में नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। व्हाट इज दिस जी, कोई चक्कर में नहीं है। हाँ जी, खेला हो गया, हो गया। हाँ हो गया। तो नीतीश कुमार भी कुछ भाग उतार ले, उन्होंने लालू जी सबका जमाना जब्त है दोनों का। अरे अरे लालू जी जो सोचा था कि पप्पू यादव का मिटाने का काम करेंगे पूर्णिया में, लेकिन सुनिए लालू जी, पूर्णिया में वो पप्पू यादव है, हर एक घर में पप्पू यादव है, हर आदमी का पप्पू यादव है, वो छाप छोड़ के पप्पू यादव ने रखा है। अगर कोसी कमिश्नरी में अगर जीत होगा तो 12 बजते कैची छाप सबको काटते हुए 4 लाख पार तिलस्मी सूच रही है, अब की बार 4 लाख पार। चलिए देखिए 4 लाख पार, तो ये देखिए पप्पू यादव के समर्थक है और लगातार कर रहे हैं, 4 लाख वोट से जीतेंगे, जीतेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले पूर्णिया पहले भी इतिहास रचा है और इस बार भी इतिहास रचने के लिए तैयार है। चलिए पूर्णिया पहले भी इतिहास रचा है और इस बार भी इतिहास रचेगा। बहरहाल हमारी बातचीत में ये सब पूर्णिया के जनता है, पूर्णिया जहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी उनकी पार्टी का सिम्बॉल कैची छाप था और जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी भी उनका पार्टी का सिंबल कैची छाप है। बहरहाल NDA की तरफ से भी हैं कुशवाहा समाज के कैंडिडेट और RJD की तरफ से भी हैं बीमा भारती, जहां से आशा था कि पप्पू यादव को टिकट मिलेगा लेकिन उनके जगह बीमा भारती को मिला, लेकिन जनता इंटैक्ट है पप्पू यादव के प्रति। बिल्कुल सही बात है। बाकी आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट करके, फेसबुक को देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।